अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी बंगला रिएक्शन। सो गाइस, माय नेम इज हसन नासिर और एक बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आ रही है कि बांग्लादेश हैज़ अ ट्रेड रिकॉर्ड विद पाकिस्तान। सो गाइस दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, एक बहुत ज़बरदस्त खबर है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। बिकॉज पाकिस्तान के साथ ट्रेड होती थी, माजी में भी होती रही बांग्लादेश के साथ, बट काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि उस तरह से ट्रेडिंग नहीं हो रही जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ के साथ है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को इस टाइम काफ़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को कि उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई कंट्री बड़ी मात्रा में करे। तो उनको याद आया बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा मुस्लिम कंट्री, एक ऐसा सेक्युलर मुस्लिम कंट्री है जो कि इस टाइम लीड कर रहा है एशिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ, एशिया के अंदर बहुत लीड कर रहा है। उनकी इकॉनमी अगर आप देखते हैं तो चाइना के बाद सबसे बड़ी इकॉनमी एशिया के अंदर बांग्लादेश की है। जिस स्पीड के साथ उनके जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, जिस स्पीड के साथ उनकी पर कैपिटा इनकम 22 समथिंग डॉलर्स पर कैपिटा इनकम है, या हो सकता है इस टाइम अपडेट होकर काफ़ी ज़्यादा हो गई हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और भी चीज़ें चमड़े के हिसाब से, पत्ती टी के हिसाब से, और काफ़ी चीज़ें जो कि बड़ी मात्रा के अंदर बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री का ये फ़र्ज है, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, जिस तरह उसी तरह मुसलमान कंट्री का फ़र्ज है कि वो दूसरे मुसलमान भाई कंट्री की हेल्प करे। तो पाकिस्तान को इस टाइम मदद की ज़रूरत है और बांग्लादेश ने एक पॉजिटिव वेव शो किया है टूवर्ड्स पाकिस्तान इमरान खान के साथ। और रिसेंटली कल की बात है कि लाहौर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है, पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव वे में एंड हुई है। और मैंने वो कॉन्फ्रेंस देखी नहीं बिकॉज मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है गाइस। अगर तबीयत ख़राब ना होती तो मैं उस वीडियो पर भी रिएक्शन देता, बट गाइस दुआ कीजिए, आजकल मौसम की चेंजेस की वजह से ना तबीयत काफ़ी नासाज नज़र आ रही है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक गाइस लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश हैज़ अ ट्रेड रिकॉर्ड विद पाकिस्तान, देखते हैं क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 2 1 स्टार्ट। बीडी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इनको भी सब्सक्राइब करें जाके। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির রেকর্ড ছুঁয়েছে, বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে। রাজনৈতিক সম্পর্কের শীতলতা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সঙ্গে নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে ব্যবসা বাণিজ্য। চলতি অর্থবছরের প্রথম 3 মাসে বাংলাদেশ পাকিস্তান বাণিজ্য রীতিমতো রেকর্ড ছুঁয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে যে দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন বিদ্যমান, সেই পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য তালিকার শীর্ষে এখন বাংলাদেশের নাম। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের পাবলিক ডেটায় বাংলাদেশ পাকিস্তান বাণিজ্যের বিস্ময়কর ঊর্ধ্বগতি প্রত্যক্ষ করা গেছে। বিশ্লেষকদের মতে বাংলাদেশের উপর চীনের প্রভাব বৃদ্ধির ফসল এখন ঘরে তুলতে শুরু করেছে বৈরী পাকিস্তান। যেই সুযোগটি এসেছে 2016 সালে চীনা প্রেসিডেন্ট সি জিনপিং এর ঢাকা সফরের মধ্য দিয়ে। বলাবলি আছে অনেকটা বেইজিং এর মধ্যস্থতাতেই বাংলাদেশ পাকিস্তান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছন্দে ফিরেছে। যদিও এটি কতটা পরিণত পর্যায়ে পৌঁছাবে বা টেকসই রূপ পাবে তা নিয়েও আগাগোড়ায় শঙ্কা রয়েছে। ঢাকার তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে 71-এর সংগঠিত যুদ্ধাপরাধের জন্য পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা এবং যুদ্ধপূর্ব স্ট্র্যাটেজিক ভাগাভাগি ছাড়া দ্বিপক্ষীয় রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না। এটাই বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক উন্নয়নের একমাত্র বিকল্প। যে কোনো ফোরামের আলোচনায় নিয়মিত বিরতিতে ইসলামাবাদকে ঢাকা সেই অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাবলিক ডাটা পর্যালোচনায় দেখা যায় গত বছরের তুলনায় পণ্য এবং সেবা খাতে 2021-22 অর্থবছরের প্রথম 3 মাসে বাংলাদেশ পাকিস্তান প্রায় 37% বাণিজ্য বেড়েছে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ওই 3 মাসে বাংলাদেশে 175 মিলিয়নের বেশি অর্থমূল্যের পণ্য রপ্তানির রেকর্ড করেছে পাকিস্তান। আগের অর্থবছরে ঠিক ওই সময়ে যা ছিল $127 মিলিয়ন কিছু বেশি। ডাটা বলছে শীত মৌসুম শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তের ওই 3 মাসের
দুই বছরের তথ্যের তুলনায় এটি অনমনীয় যে 2021 অর্থ বছরের চেয়ে 2021-22 অর্থ বছরের প্রথম কোয়ার্টারে বাংলাদেশ পাকিস্তানের পণ্য রপ্তানি বেড়েছে 37.57%। অর্থ বছরের তুলনা ছাড়াও ক্যালেন্ডার ইয়ারের একটি হিসাবে দেখানো হয়েছে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে পাকিস্তানের রপ্তানি প্রতিনিয়তই বাড়ছে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে 65% বেড়েছে, অর্থাৎ অর্থমূল্য হিসেবে আগের বছরের এই সময়ে যা ছিল $41 মিলিয়ন কিছু বেশি, এখন তা $68 মিলিয়ন উপরে। মাসের হিসাবে অগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে পাকিস্তানের রপ্তানি বেড়েছে 24% বেশি। আগস্ট 2021-এ পাকিস্তান $55 মিলিয়ন পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাটায় দেখা যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের চলতি অর্থ বছরের প্রথম কোয়ার্টারের বাণিজ্য বেড়েছে 35.24%। ওই চার্টের টপের অবস্থান করা বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্য হয়েছে 36.90%, যা কিনা অবারং গ্লোবাল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। হিসাব বলছে ওই সময়ে পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য 5.353 থেকে $7.241 বিলিয়ন পৌঁছায়। सो गाइज यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दरमियान ट्रेड है, बाहमी जो ज़र मुबादला है, बाहमी ट्रेड है, वो दोबारा से बहाल होती नज़र आ रही है। हमने गुज़िश्ता सालों के अंदर देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो आपस में कलपलिश थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, बट जब से इमरान खान आए तब से हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा से फ्रेंडशिप की जानब बढ़ रहा है। जबकि पाकिस्तान की जो आवाम है और बांग्लादेश की जो आवाम है, जो यंग जनरेशन है, उनको मैं टारगेट पॉइंट कर रहा हूँ, उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले हो रहा है। और सोशल मीडिया के अंदर हम देखते हैं, हमारे इवन के हमारे अपने चैनल में कमेंट सेक्शन के हम अंदर देखते हैं कि लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम बांग्लादेश। पाकिस्तान की भी आवाम उतना ही बांग्लादेश को चाहती है जितनी बांग्लादेश की आवाम पाकिस्तान को चाहती है। हमें चाहिए, हमें इस टाइम दोबारा से रीयूनाइट होने की ज़रूरत है, ताकि हम एशिया में दोबारा से डोमिनेट करें, ताकि हमारे जो ट्रेड है वो दोबारा से बहाल हो। और हमने देखा कि जब से इमरान खान आए हैं तब से शेख हसीना के भी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे देखने को मिल रहे हैं। शेख हसीना वाजिब वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने टेन्योर के अंदर बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की है, स्टेडली मतलब ग्रेजुअली तरक्की की है। और वो जो ग्राफ बन रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त ग्राफ बनने को नज़र आ रहा है, वर्टिकली ग्राफ बन रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त तरक्की की है बांग्लादेश के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की जाए तो बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो आप बात करते हैं कि ट्रेड 100 मिलियन से ज़्यादा दिखने को मिलती है। पाकिस्तान को भी काफ़ी चीज़ें ज़रूरत हैं जो कि बांग्लादेश से आ सकती हैं। हम गारमेंट्स की बात कर लेते हैं, गारमेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी होता है, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो किंग है एशिया का वो माना जाता है बांग्लादेश आफ्टर चाइना। तो पाकिस्तान को भी सीखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को भी ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि कितने हार्ड वर्किंग पीपल हैं बांग्लादेशी, वो फ्रीलांसिंग की हो बात या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो, तो बांग्लादेशी हर मैदान में आगे नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। तो एक खबर हमें सुनने को मिल रही थी कि शेख हसीना वाजिब ने इमरान खान को मैंगोस गिफ्ट में दिए थे, ये बात सच है या नहीं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो अब तक के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नए न्यूज़ के साथ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी बिल्डिंग्स के साथ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।